नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष में ईएफएम पेपर प्रथम में व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ में आपका अंतिम चैप्टर मार्केट का अल्पाधिकार ओलिगोपोली के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम आज इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर्गत एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अंतर क्या था, और भी पिछले वीडियो में हमने मार्केट से संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्याय जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण और विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, और इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के मार्केट के अंतर्गत किस प्रकार से हम मूल्य और उत्पादन का निर्धारण कर सकते थे, जिसमें हमने चर्चा की थी कि एक अल्पकाल के अंतर्गत या अल्पकाल पीरियड के अंतर्गत किस प्रकार से उत्पादक वस्तुओं या किस प्रकार से उत्पादक सामान्य असामान्य या हानि कमा पाता है, या दीर्घकाल में क्या स्थिति होती है, तो वो अल्पाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पाधिकार में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हमें मूल्य का निर्धारण करना है। अल्पाधिकार दो शब्दों से बना है, ओलिगोपोलियन मतलब कम विक्रेता, बहुत थोड़े विक्रेता, कम विक्रेता होंगे वहाँ पर अल्पाधिकार की स्थिति सामने आती है, क्योंकि वस्तु की कुल पूर्ति में एक विक्रेता ही का ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें थोड़े से क्या होंगे, विक्रेता होंगे। और जैसे विभिन्न प्रकार के जो लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम और भारी उपकरण दुकानें इनमें सम्मिलित होती हैं। अब बात करें इसकी हम डेफिनेशन की, तो सामान्य शब्दों में अल्पाधिकार क्या है कि अल्पाधिकार बाज़ार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के थोड़े से क्या होंगे, विक्रेता होंगे, और वस्तु की कुल पूर्ति में व्यक्तिगत विक्रेता का बड़ा भाग होता है। और दूसरे शब्दों में अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसके अंतर्गत थोड़ी सी फर्में वस्तु का उत्पादन करती हैं। तो ये तो बात हुई अपनी यहाँ पर अल्पाधिकार की। अब विभिन्न परिभाषाओं की हम बात करें तो परिभाषाओं में लेफ्टविच के अनुसार कि बाज़ार की वह दशाएं अल्पाधिकार की दशाएं कहलाती है जिसमें थोड़े संख्या में इतने से विक्रेता पाए जाते हैं कि एक ही क्रिया दूसरों के लिए महत्वपूर्ण होती है। मेयर्स के अनुसार अल्पाधिकार बाज़ार की वह अवस्था को कहते हैं जहां पर विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति बाज़ार के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है तथा विक्रेता इस बात को जान लेता है। अब निष्कर्ष रूप से हम बात करें कि निष्कर्ष रूप से हमें यह भी कह सकते हैं कि इसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है और बाज़ार और कीमत पर किसी एक के प्रभाव को नगण्य बना देती है तथा वस्तु की पूर्ति पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है, वो क्या कहलाएगा, अल्पाधिकार कहलाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। अब हम बात करें अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण में, तो इसमें हमें दो प्रकार के गठबंधन हमें सामने आते हैं, जिसमें प्रथम है पूर्ण गठबंधन, पूर्ण गठबंधन और अपूर्ण गठबंधन। तीसरा है स्वतंत्र गठबंधन, स्वतंत्र मूल्य निर्धारण, स्वतंत्र मूल्य निर्धारण। पूर्ण गठबंधन के अंतर्गत भी दो स्थिति अपनी अपने सामने इसमें आती हैं, जिसमें पहली है केंद्रीकृत संघ,
और दूसरा है बाजार सहभागी संघ। यह स्थिति है। तो पूर्ण गठबंधन के अंतर्गत केंद्रीय संघ की हम बात करें तो फर्म का उद्देश्य अल्पाधिकार बाजार की विभिन्न फर्मों के सामूहिक लाभों में वृद्धि और लागतों को न्यूनतम करके करना होता है। किस प्रकार से लागतों को न्यूनतम करके पूर्ण गठबंधन के अंतर्गत हम करेंगे, क्योंकि एकाधिकार में थोड़े भी करें तो इसमें ARMR क्या होगी, यहाँ पर गिरती हुई होती है। तो इसके अंतर्गत हम डिसाइड करें मार्जिन कॉस्ट, तो ये पूर्ण गठबंधन की स्थिति अपने सामने होती है। अब बात करें बाजार सहभागी संघ की, तो बाजार सहभागी संघ अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होगी जिसमें फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को समरूप हो और सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु की लागत एक समान हो, कोई भी एक फर्म वस्तु का मूल्य निर्धारण करती हो जिसके द्वारा निर्धारित मूल्य को बाजार में अन्य फर्मों के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है। तो वो कौन सी स्थिति में आ जाएगी, अपनी बाजार केंद्रीकृत संघ के अंतर्गत मानी जाएगी। तो वो केंद्रीकृत संघ में इस प्रकार से हम सचित्र इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, तीनों स्थिति इसमें सामने होंगी, क्योंकि यहाँ पर ARMR और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का भी इसमें कार्यान्वयन हो पाता है। बाजार सहभागी संघ के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसमें बाजार के अंतर्गत, क्योंकि वह स्थिति होगी जहां पर फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं क्या होगी, समान होगी, और सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत भी क्या होगी, एक समान होगी। तो कोई भी फर्म वस्तु का मूल्य निर्धारण कर सकती है, इसके द्वारा निर्धारित मूल्य को बाजार में अन्य फर्मों के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है। अब बात करें हम अपूर्ण गठबंधन की, तो अपूर्ण गठबंधन के अंतर्गत कि अल्पाधिकार में बाजार की वह स्थिति होगी जहां पर एक फर्म हो, फर्म लो उसका मूल्य नेतृत्व किया जाए और उसकी अन्य फर्मों से तुलना कम हो और फर्मों द्वारा निर्धारित मूल्य को बाजार या अन्य फर्मों के माध्यम से स्वीकार करती हो, उसी प्रकार मूल्य पर वस्तु का विक्रय किया गया हो, तो वो अपूर्ण गठबंधन के अंतर्गत आती है, जिसका हम अपूर्ण गठबंधन के माध्यम से भी हम इसको हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपूर्ण गठबंधन के अंतर्गत भी इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम पूर्ण गठबंधन और अपूर्ण गठबंधन, पूर्ण गठबंधन के अंतर्गत केंद्रीकृत संघ और बाजार सहभागी संघ का सहारा लेना होता है। तो अपूर्ण गठबंधन के अंतर्गत भी ये स्थिति अपने सामने आती है जिसमें विभिन्न प्रकार से इनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसकी मान्यताओं की हम बात करें तो इसमें है कि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं क्या होंगी, समान होगी, अलग अलग फर्मों की लागत में अंतर क्या होगा, अलग अलग होगा, और ये माना जाएगा कि बाजार में दो फर्में सम्मिलित हैं। स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की बात करें तो स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में वर्तमान मूल्य से संबंधित ये माना जाता है कि वर्तमान में उस वस्तु का क्या मूल्य है। तो इस प्रकार से मांग वक्र अर्थशास्त्र में कोनेदार या विकुंचित मांग वक्र के नाम से भी जाना जाता है, इसे किंग्ड मांग वक्र भी हम कहते हैं। मांग वक्र के इस कोने पर मूल्य स्थिर रहता है और मांग के इस कोने के ऊपर वाला भाग अधिक लोचदार भी होता है, तो नीचे वाला भाग अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है। किंग मांग वक्र के माध्यम से भी इसको हम आसानी से क्रियान्वयन कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के अंतर्गत इनकी अहम भूमिका होती है। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत हमने चर्चा की कि अल्पाधिकार के अंतर्गत किस प्रकार से हम मूल्य का आसानी से हम निर्धारण किया, तो किस प्रकार से वस्तु के निर्धारण में इनकी क्या भूमिका रही। तो हमने अल्पाधिकार के अंतर्गत जैसा बताया, इसमें क्या होंगे, थोड़े से विक्रेता होते हैं, तो विक्रेता थोड़े होने से, जैसे आपने बाजार में या फिर अपने मोहल्ले में देखा होगा, वहाँ पर
स्थिति क्या होगी, गठबंधन होगा, गठबंधन कैसा होगा, केंद्रीकृत संघ भी हो सकता है और बाजार सहभागी संघ भी हो सकता है। तो इसमें मूल्य का जब निर्धारण होगा तो तीन स्थितियां अपने सामने होंगी कि पूर्ण गठबंधन या पूर्ण गठबंधन या स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के द्वारा इसमें किया जाता है। तो एकाधिकार के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट विच भी ये कहे हैं कि बाजार में वे दशाएं अल्पाधिकार बाजार की दशाएं होंगी जिसमें क्या होंगे, थोड़ी सी संख्या में विक्रेता पाए जाते हैं और एक ही क्रियाएं दूसरे के लिए क्या होंगी, महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें अल्पाधिकार के अंतर्गत आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार संबंधित ही प्रश्न आपके विश्वविद्यालयों में पूछा जाता है। तो एकाधिकार या अल्पाधिकार में अगर आपका मूल्य व उत्पादन निर्धारण अगर प्रश्न पूछें तो इसे हम करबद्ध तरीके से इसकी भूमिका के बारे में लिखेंगे कि अल्पाधिकार क्या है, जिसमें आप लिखेंगे ये दो शब्दों से बना है, ओली जो पोली, तो ओलिन का मतलब यहाँ पर कम, पोलिन मतलब विक्रेता, थोड़े से कम विक्रेता होते हैं जिसमें मुख्यतया AR MR वक्र भी क्या होगा, गिरता हुआ होता है। तो इसमें जब मूल्य निर्धारण जब हम करेंगे तो तीन प्रकार रूप से हम इसके माध्यम से हमने डायग्राम्स के माध्यम से हमने समझा कि पूर्ण गठबंधन, अपूर्ण गठबंधन और स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के आधार पर ही हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो हमने जैसा कि अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य और निर्धारण में देखा तो सर्वप्रथम हमने बात की थी केंद्रीकृत संघ की। तो केंद्रीकृत संघ में हमने देखा कि फर्म का उद्देश्य अल्पाधिकार बाजार में विभिन्न फर्में सामूहिक लाभों में वृद्धि करके लागतों को क्या करेगी, न्यूनतम करती है, तो जिससे लागतों को न्यूनतम करके अधिकतम लाभ कमा पाती है। तो बाजार सहभागी संघ में भी अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होगी जिसमें फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप होंगी और सभी फर्में उत्पादित वस्तुओं की लागत एक समान होती है, क्योंकि कोई भी एक फर्म वस्तु का मूल्य निर्धारण करती है या उसके द्वारा निर्धारित मूल्य को बाजार में अन्य फर्मों के रूप में स्वीकार करती है, तो ये बाजार सहभागिता के रूप में होगी। और अपूर्ण गठबंधन के माध्यम से भी AR MR और को तीनों मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व डिसाइड कर पाती है। तो स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के अंतर्गत भी वर्तमान मूल्य से ये संबंधित होगी कि वर्तमान में इसका क्या मूल्य निर्धारित होता है और किस प्रकार से अर्थशास्त्र के विकुंचित मांग वक्र के रूप में इसका नाम जाना जाता है। तो मांग वक्र के जो कोने का जो मूल्य है वो क्या होगा, इसमें स्थिर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपेक्षाकृत कम लोचदार भी होता है। तो जैसा कि हमने अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण के बारे में हमने चर्चा की, जो कि आपके यूनिट संख्या 4 का बाजार का ये अंतिम चैप्टर है। तो अंतिम चैप्टरों में अब बात करें इम्पोर्टेंट प्रश्नों की कि आपके यूनिट संख्या 4 में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पिछले साल अगर यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम में वो प्रश्न आया है तो अब की बार उसकी संभावना कम हो पाती है। तो जैसा कि पिछली बार में अगर ये पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत उत्पादन मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो अब की बार ये पूछ लेते हैं कि एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। अगर एकाधिकार पूछा तो पूर्ण प्रतियोगिता पूछेगा, तो आपको दो प्रश्न में आपको एक प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है जिसमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होता है। तो अल्पाधिकार में मूल्य उत्पादन निर्धारण में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें पूर्ण गठबंधन, अपूर्ण गठबंधन, गठबंधन और स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के आधार पर इनको आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किया जाता है।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की विधियां कौन सी हैं मापने की, और इसकी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, और सामाजिक आर्थिक कल्याण में इसका क्या महत्व है। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।